वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल। आई एम कृष्ण बागुल। डिफेंस हम ऐसे पुस्तक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिस अप्रतिम क्रांतिकारक बदलाव लाने वाली पुस्तक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। डिफेंस इस पुस्तक ने हजारों लाखों लोगों के जीवन में क्रांतिकारक बदलाव लाया है, विश्वास दिलाया है कि हम जिंदगी में जीतने के लिए जन्म लिए हैं। डिफेंस हम देख चुके हैं दुनिया भर में सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ये पुस्तक आपको ये सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाए। डिफेंस जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है। उन चीजों में विश्वास न करें जो आपको नुकसान या चोट पहुंचा सकते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास करें। यह विश्वास रखे कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगी। आपके विचार विश्वास के अनुरूप ही आपको मिलेगा। डिफेंस अपने विचारों को बदल ले, आपकी तकदीर खुद न खुद बदल जाएगी। डिफेंस पॉजिटिव विचार, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी हम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव विचार हम जब करते हैं तब हमारी चेतना आगे बढ़ती है। डिफेंस बट हम नेगेटिव विचार नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैं आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसके बजाय आप ये विचार कर सकते हैं कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कोई दूसरा आदमी कुछ कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। डिफेंस आपका मस्तिष्क आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। यह हमेशा आपके साथ है, लेकिन इसकी सबसे अद्भुत शक्तियां आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका प्रयोग करना सीख लेंगे। जैसा हम देख चुके हैं आपके मस्तिष्क के दो स्तर है, चेतन या तार्किक स्तर और अवचेतन या अतार्किक स्तर। आप अपने चेतन मन से विचार करते हैं, आपके अद्यतन विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, जो आपके विचारों के प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियों बनाता है। आपका अवचेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है, यह रचनात्मक है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। आपका मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। डिफेंस जब अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार कर लेता है तो वह उस पर काम करने लगता है। आश्चर्यजनक और सूक्ष्म सत्य यह है कि अवचेतन मन का नियम अच्छे तथा बुरे दोनों तरह के विचारों पर समान रूप से काम करता है। अगर इस नियम का नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यह असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है। दूसरी तरफ अगर आपकी आदतन सोच सद्भावनापूर्ण और सृजनात्मक है तो आपको आदर्शत सफलता और समृद्ध मिलती है। डिफेंस आप जानते हैं, मानते, समझते हैं। दोस्तों हमें कसम खाने चाहिए कि हम जिंदगी में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि हम पास्ट में कुछ बदलाव नहीं कर सकते। दोस्तों क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड में हजारों लाखों तारे हैं। दोस्तों पृथ्वी और सूरज मुझे इतनी ताकत देना कि मैं कभी ना रुक ना सकूं, थक ना सकूं। दोस्तों खुदा को पता है कि मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूं, व्हाट कैन आई डू। क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में टाइम बहुत कीमती है,
उसे किसी बेहतरीन कार्य में लगाना चाहिए। और हम इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग होना है, तभी हम जिंदगी की रेस में आगे बढ़ सकते, जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, जो समय बीत चुका है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि हम उसे बदलाव नहीं कर सकते, उसमें बदलाव नहीं ला सकते। बट प्रेजेंट में अगर आप रहते हो तो आप नई क्रांति ला सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, अपना सपना साकार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वक्त मिला है आपको, उससे आप दुनिया बदल सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। बट इसलिए आपके अपने आप को भरोसा रखना है और जिंदगी में पॉजिटिव विचार, थॉट्स रखना है, करते रहना है और जिंदगी में आगे बढ़ते रहना है, और फ्रेंड्स जिंदगी में खुश रहना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।